Hello students, I am Bhavna Puri and today I will talk about a topic that is gel electrophoresis. This topic is from 12th standard and gel electrophoresis, जैसे ये नाम से पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम एक जेल के बारे में बात करेंगे एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है चार्ज के बेसिस पर या करंट के बेसिस पर मूवमेंट होना. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स होती है उनको उनके चार्ज के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एम है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज. एज वी नो द डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज को. एज वी नो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्योंकि डीएनए का चार्ज नेगेटिव है तो वो ऑब्वियसली रन करेगा पॉजिटिव चार्ज की साइड में. सो लेट्स स्टडी अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हमें कब ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेरेंटल टेस्ट करना है, डीएनए टेस्ट करना है और हमारे पास कोई एक डीएनए का सैम्पल है बट दैट सैम्पल इज़ नॉट इनफ, तो हमें क्या करना चाहिए, उस डीएनए के सैम्पल का हम पीसीआर की मदद से, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस रिएक्शन इस स्टेप टेक्निक की मदद से हम डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं. दैट मीन्स इसके बहुत सारे डीएनए के न्यू मॉलिक्यूल्स या स्ट्रैंड को फॉर्म करते हैं. अब हम डीएनए के इतने जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं, लॉन्ग लंबे लंबे स्ट्रैंड्स हैं, उनको इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उनके न्यूक्लियोटाइड्स को, सीक्वेंसेस को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ता है. सो यही वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे. हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पढ़ते हैं. सबसे पहले हमें डीएनए का सैंपल चाहिए. जो डीएनए का सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है हम उस सैंपल को डाइजेस्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम एंडोन्यूक्लियेसेस. एंडोन्यूक्लियेसेस कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और एज अ सेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं, जो कि एक स्पेसिफिक जगह पर ही एक्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक जगह पर ही डीएनए के सीक्वेंसेस को कट करेंगे. सो जैसे ही हमारे पास डीएनए का सैंपल आता है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से उस डीएनए के सीक्वेंसेस को डाइजेस्ट करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम यहाँ पर ख़त्म होता है. इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन फंक्शन है डीएनए के सीक्वेंसेस को कट करना. जो सैंपल डीएनए का हमारे पास प्रेजेंट है हम उस सैंपल को एक ट्रे की मदद से, ये एक ट्रे है जिसके अंदर हमने जेल को डाला है, ये जेल होता है एगरोज जेल. एगरोज जेल बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है सी वीड में से, जो अनवांटेड वीड्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके एक नेचुरल पॉलीमर है. हम एगरोज जेल को कलेक्ट करते हैं सी वीड से. इस जेल की मदद से ही हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें चार्ज की ज़रूरत है. चार्ज हमें आयंस चाहिए. अगर फ्री आयंस हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो इजीली चार्ज प्रेजेंट हो सकता है और ये प्रेजेंट होते हैं एक बफर में, एक सॉल्यूशन में. ओके तो हमें क्या करना है, हमें एक बहुत बड़ी ट्रे लेनी है जिस ट्रे में हमने बफर सॉल्यूशन को डाला हुआ है. अब वो जो बफर सॉल्यूशन है उसका मेन फंक्शन है आयंस, फ्री आयंस को कैरी करना. इसके चारों तरफ एक बफर होगा जिसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे. हम इस ट्रे को, ये पूरा अपैरेटस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसको कनेक्ट कर देते हैं स्विच से. जैसे ही करंट फ्लो करेगा इन आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. उसके बीच में हमने एक ट्रे रखी हुई है जिसमें हमने कुछ कॉम्प्लेक्स की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से वेल बनाए हैं, गड्ढे बनाए हैं. अब इन वेल्स के अंदर हम जो डीएनए का सैंपल हमारे पास है वो सैंपल डालेंगे. ये एगरोज जेल कुछ समय के लिए रखा गया था जिसको हमने सेटल किया हुआ है. ये जो वेल्स इसके अंदर बने हैं, अब हमने अपना डीएनए का सैंपल इनके अंदर डाला. जब हमने स्विच को ऑन किया आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हुई. उस बफर में जो आयन की मूवमेंट है उसके रिजल्ट की वजह से ही जो डीएनए का सैंपल हमने इन वेल्स के अंदर डाला था, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है वो जाकर अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को या फिर वो रन करेगा इस जेल के थ्रू और पहुंच जाएगा अपने साइज के बेसिस पर ऑपोजिट चार्ज की तरफ. जितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्रैंड्स होती हैं, हैवी स्ट्रैंड्स होती हैं, वो उतना ही पास में रहती हैं, लेकिन जितनी ही लाइट वेट वाली स्ट्रैंड्स होंगी, जितनी ही स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होती हैं डीएनए की, वो अपने साइज के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं.
सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. सेपरेशन कैसे हुआ? आयंस की मूवमेंट की वजह से, चार्ज जनरेट होने की वजह से. क्योंकि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, वो रन करता है जेल के थ्रू और पहुंच जाता है पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ. सो दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं. एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल.